क्वेश्चन नंबर वन इन पेज नंबर थ्री, जस्ट यू रीड आउट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. ओके, नाउ आंसर. इसमें बेटा एक्सप्लेनेशन के साथ इसके आंसर को लिखोगे तो समझ में जल्दी आएगा. नंबर वन पॉइंट, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. नंबर टू, मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. थर्ड पॉइंट, चेयर एंड आलमंड आर फॉर्म्स ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट. फोर्थ पॉइंट, कोल्ड ड्रिंक इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, ऑल इफ यू राइट, एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर. लास्ट पॉइंट, यू राइट, लव, स्मेल, कोल्ड आर नॉट मैटर एज दे आर फीलिंग्स दैट डू नॉट हैव मास एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी? दैट द लास्ट पॉइंट यू हैव टू राइट, लव कमा स्मेल कमा कोल्ड आर नॉट मैटर एज दे आर फीलिंग्स दैट डू नॉट हैव मास एंड डू नॉट ऑक्यूपाई एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. ओके, नंबर वन, यू जस्ट रीड आउट लास्ट पॉइंट. सो लव, स्मेल, कोल्ड आर नॉट मैटर एज देयर फीलिंग दैट डू नॉट हैव डू नॉट हैव मास, एम ए डबल एस मास, एंड डू नॉट ऑक्यूपाई एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. ओके सर. ओके, रोल नंबर टू, यू टेल कंप्लीट आंसर. लव, स्मेल एंड कोल्ड. नो, दैट इज द लास्ट पॉइंट. यू टेल द कंप्लीट आंसर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर इज थ्री. वन थिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव नहीं होगा, हैज. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देयर विल बी हैज, एच एस हैज. यस सर. हैज मास इज कॉल्ड मैटर. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मैटर इज थ्री फिजिकल स्टेट, दैट इज लिक्विड, गैस एंड सॉलिड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड पॉइंट, चेयर एंड आलमंड आर फॉर्म ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट. फोर्थ पॉइंट, कोल्ड ड्रिंक इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. फिफ्थ पॉइंट, एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम इज अ गैसियस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. सिक्स पॉइंट, लव, स्मेल एंड कोल्ड आर नॉट मैटर, आर नॉट अ मैटर, दे डू नॉट हैव मास एंड दे डू नॉट हैव ऑक्यूपाइड स्पेस. ओके, दैट इज सपोज एक्सप्लेनेशन बोले हैं, एक्सप्लेन करने बोले हैं, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, दो नंबर का, तो ऐसे लिखना पड़ेगा. और एक नंबर का मतलब क्वेश्चन आते हैं तो तुम लोग ओनली उतना लिख दोगे, दैट इज चेयर, एयर, आलमंड. नहीं, जस्ट एक ही लाइन लिखना है. अच्छा ठीक है, एक नंबर वाले का भी आंसर लिख लो बेटा. यस सर. चेयर, एयर, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक,
अच्छा उसमें एक चीज था, दैट इज लेमन वाटर भी था ना बेटा? यस सर। हाँ लेमन वाटर, तो बेटा कोल्ड ड्रिंक के जाए कोल्ड ड्रिंक एंड लेमन वाटर एक साथ जोड़ देना बेटा, वहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, कोल्ड ड्रिंक एंड लेमन वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड लेमन वाटर, लेमन वाटर आर इन ए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ओके यस सर, एक पॉइंट छूट गया था बेटा, ठीक है। और सिमिलरली और एक जगह भी दिया देखो कि थॉट बोल के वर्ड भी छूट गया, तो लव थॉट बोल गया, स्मेल कोल्ड एंड थॉट, लव स्मेल कोल्ड एंड थॉट आर नॉट मैटर बेटा, उसमें इंक्लूड कर दिया बेटा, कर दिया सर। रोल नंबर वन, यस सर। जस्ट यू कंप्लीट आंसर, जस्ट यू टेल कंप्लीट आंसर, यस सर। कंप्लीट आंसर यू शुड टेल, जस्ट रिपीट द आंसर, यस सर। रिपीटिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री फिजिकल स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Chair and almond are formed of matter in the solid state. Colding is a liquid state of matter. Colding and lemon drink is a... No, not lemon drink. That is lemon water. Lemon drink. Lemon water. Anything. Okay. Cold drink and lemon water. Okay, good. Believe it. Air and smell of perfume are gaseous state of matter. Love, smell, cold, thought and hate are not matter, as they are feeling that do not have mass and do not occupy space. Okay, correct answer. Okay. और एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना ही लिख दोगे, एक नंबर का क्वेश्चन में ओनली एक लाइन लिखना पड़ते हैं, वो लाइन भी लिख लो, सपोज इट इज एक नंबर का क्वेश्चन है तो लिखोगे चेयर, एयर, ऑलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, चेयर, एयर, ऑलमंड, कोल्ड ड्रिंक, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर। ओके अंडरस्टूड बेटा, कोई कोई बुक में ना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट है, ओल्ड बुक में कुछ है, न्यू बुक में कुछ है बेटा, एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं, तो पहले तुम्हें मैटर का डेफिनेशन बोलोगे, उसके बाद बोलोगे मैटर कौन कौन स्टेट में होते हैं, ओके स्टेट्स ऑफ मैटर उसे मेंशन करोगे, और जितने भी देगा उसमें बताओगे कौन कौन सॉलिड में है, कौन कौन लिक्विड में है, कौन कौन गैस में है, ठीक है बेटा। उसके बाद बोलोगे जो जो मतलब अदर जो फीलिंग्स है उसका कोई मास नहीं होता, वो कोई ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करता, इसीलिए वो सब मैटर नहीं होगा, तो देयरफॉर कौन कौन मैटर होगा लिख दोगे। रूल नंबर वन, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। स्मेल, अच्छा सेकंड क्वेश्चन दिया था बेटा कल? सर नहीं दिया था। अच्छा सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग अभी सॉल्व कराते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसीलिए नहीं दिया था कि जो तुम लोग साथ साथ हमको बताओगे कैसे करके उसका आंसर होगा, है ना बेटा। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सर रोल नंबर टू क्वेश्चन को रीड कीजिए। सेकंड सर? हाँ सेकंड। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल of the hot sizzling food reaching your several meters away, but to get this smell of from cold food you have to go slowly. Okay, can anybody tell the answer? No sir. Smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. मतलब जैसे हॉट फूड होता है ना, किसी के घर में कुछ खाना बन रहा है, काफी देर तक उसका स्मेल आते हैं, लेकिन हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक का बोतल रख दिया तो उसका स्मेल काफी दूर तक नहीं जाते।
तो ऐसा क्यों है? रोल नंबर वन, कैन यू टेल द आंसर? नो सर. ओके, जस्ट यू राइट, बोथ ऑफ यू राइट द आंसर. ओके, आई एम डिक्टेटिंग. ओके सर. ओके, लिखिए फर्स्ट पॉइंट. द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड. द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड, एस आई जेड जेड एल आई एन जी, रिचेस आस, रिचेस आर ई एस सी एच ई एस, रिचेस आस यू एस आस, सेवरल मीटर्स SEVERL, several meters, 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 away, because food particles diffuse faster, diffuse. Diffuse faster in air. Diffuse faster, F-A-S-T-R, faster. F-A-S-T-E-R, faster. Diffuse or reduce? Diffuse. D-Delta. D-I-F-F-U-S-E. Diffuse. Just roll number one, just you repeat. इनकम्प्लीट है पॉइंट नंबर वन, कम्प्लीट नहीं किया, लेकिन जितना तक लिखा उतना तक रीड करो. ओके, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस अस सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज फूड पार्टिकल्स डिफ्यूज फास्टर. जल्दी जल्दी, एफ एस टी आर, फास्टर. एक स्लो होते हैं, एक फास्टर होते हैं. डिफ्यूज फास्टर, एफ एस टी आर, फास्टर. In air, diffuse faster in air. Yes, sir. When temperature is high. When temperature is high. Temperature is high. H-I-G-H. जब temperature ज्यादा होता है ना, तब क्या होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी, मूव करने वाला एनर्जी, ठीक है ना, इसी को डिफ्यूज फास्टर होते हैं. अच्छा, और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, उसके बाद लिखाता हूं बेटा. जैसे मान लो कोई पार्टिकल्स है, उसके टेम्परेचर बढ़ा दिया. ओके, एयर में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूव करने वाला एनर्जी. जल्दी 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 जाएगा. ओके बेटा, जैसे हम लोग कोई चीज गर्म करते हैं ना, कोई जगह आग जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो धीरे मान लो वहां का एयर जल्दी 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 मूव करने लग जाते हैं, है कि नहीं? यस सर. तो जब मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. जो अपने आप जो मूव कर रहे हैं, दैट इज डिफ्यूजन. ओके, जो स्प्रेड हो रहा है अपने आप, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. अभी जब मान लो कि उसमें हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसका काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो गया, और ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है. ठीक है बेटा, तो मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक से सुनिए. द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस अस सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज फूड पार्टिकल्स डिफ्यूज फास्टर इन एयर व्हेन टेम्परेचर इज हाई. व्हेन टेम्परेचर इज हाई, एच आई जी एच, एंड वी कैन स्मेल इट, एंड we can smell it earlier. And we can smell, S M E double L, smell. We can smell it earlier. Smell is earlier. Whereas sir, earlier के बाद, हाँ कॉमा देखो, earlier के बाद कॉमा. Okay. Whereas वायरस, वायर डब्ल्यू एच सी आर ई, वायर ए एस एस, ठीक है, वायर एस, वायर एस, कोल्ड फूड पार्टिकल्स
particles take time, T-A-K-E, take time, take time to diffuse. The particles? Particles take time, T-A-K-E, take time, yes. T-I-M-E, time to diffuse. Time. To diffuse. Hence, H-E-N-S, hence, we have to go close. To smell it. Him? Sir, him ki baat kya hai? We have to go close to smell it. T-O-2, smell. S-M-E-S-S, smell. I-T, it. Smell. To smell it. To smell it. I eat it. As a rule number one, just you read out the whole answer. Okay, sir. The smell of hot sizzling food reaches us several meters away because food particles diffuse faster in air when temperature is high and we can smell it earlier. Whereas cold food particles take time to diffuse, hence we have to go close to smell it. अच्छा ना one question है, जैसे हमने जैसे hence word लिखाया, hence word को replace कर सकते हो और कोई word से? Hence के जगह और कोई word लिख सकते हो ना? Sir, therefore. Therefore लिख सकते हो, so भी लिख सकते हो, so so, ठीक है बेटा? Therefore भी लिख सकते हो, so भी लिख सकते हो, so so, ठीक है बेटा? Understood? Yes, sir. अच्छा रोल नंबर टू, जस्ट यू स्पीक आउट द आंसर, रीड आउट करो. सर क्या जो अभी आंसर लिखा है उसको रीड करो बेटा. यस सर. लाउडली. द स्मेल ऑफ हॉट फ्रीजिंग फूड रीचिंग अप सेवरल मीटर अवे बिकॉज फूड बेटा थोड़ा सा और तेज बताओ, थोड़ा तेज बताओ. अच्छा अवे बिकॉज फूड पार्टिकल्स डिफ्यूज स्ट्रक्चर इन एयर. बेटा डिफ्यूज के बाद क्या बोला? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर नॉट स्ट्रक्चर, फास्टर. एफ ए एस टी ए. यस सर. जल्दी जल्दी क्या बोला बेटा? डिफ्यूज फास्टर. स्ट्रक्चर. डिफ्यूज स्ट्रक्चर इन एयर. द टेम्परेचर इज हाई एंड स्मेल इज अर्लियर वेयर एज कोल्ड फूड पार्टिकल्स केप इन टाइम. पार्टिकल्स टेक टाइम टू डिफ्यूज. डिफ्यूज हिम. We have to smell too slowly. Hence, we have to go close to smell slowly, to smell it. To go we have to go close. Question mein bhi diya hai beta, dekhoge. We have to go close to smell it. Rule number one, thoda isse karo, thoda louder voice mein batao beta, answer ko. Pura suna hi nahi dera mere ko. The smell of hot sizzling food reaches us several meters away because food particles diffuse faster in air when temperature is high. We can smell it earlier, whereas cold food particles take time to diffuse. Hence, we have to go close to smell it. Okay. Correct answer. Yes, sir. Okay. So, okay. तो अभी क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री, रोल नंबर वन, कैन यू रीड आउट द क्वेश्चन? यस सर. ओके रीड इट आउट. अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? ओके रोल नंबर टू, कैन यू एक्सप्लेन द आंसर? ओके रोल नंबर वन, कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? रोल नंबर वन, कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? सर डाइवर इज सर कैन नॉट. अच्छा यू कैन नॉट. सो डाइवर जो होता है ना, डाइव करते हैं, जो वाटर में डाइव करते हैं, जो वाटर के अंदर जाते हैं, तो आराम से चला जाएंगे, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन हम लोग का कोई मतलब वुडन कोई प्लैंक है उसका फूड होगा तो उस थ्रू जा नहीं सकते ना बेटा? Yes, sir. लेकिन जो पानी के थ्रू जाते हैं, इसका मतलब पानी के और मॉलिक्यूल के बीच में गैप होगा, तभी तो कट करके जाते हैं.
है कि नहीं, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच बीच में गैप होगा तभी तो उसके अंदर से हो जाएगा। अभी गैप नहीं होता, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है कि लकड़ी का कोई प्लैंक कर रखा है कि मान लो कोई दीवार है ना, हम लोग तो उसके थ्रू नहीं जाएंगे। कोई मान लो कोई चीज छत के ऊपर गिरा, वो क्या नीचे थोड़ी आ जाता है? नहीं आता है ना, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है, लेकिन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं, है ना बेटा? तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग को पता चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस वाटर के अंदर होते हैं। क्लियर? यस सर। तो उसमें तो लिखो दिस ऑब्जर्वेशन वॉज दैट, एक सेकेंड। यस सर। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज दैट, these observation shows that shows that shows, okay shows that the intermolecular space, the intermolecular space is high, H I J H मतलब बहुत ज्यादा, is high, H I J H, high की जगह more भी लिख सकते हो, intermolecular space is more in liquid, in liquid, L I Q I D, liquid। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, these observations shows that the intermolecular space is high, H I G H, high in liquid। सर इनकी बात क्या है? लिक्विड, L I Q U I D, लिक्विड। सर रिपीट। हाँ लिक्विड, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, लिक्विड लिखोगे। अच्छा लिक्विड, दैट इज वाटर, यहाँ पे लिक्विड की जगह वाटर, ठीक है ना? यस सर। इज हाई इन लिक्विड, देयरफॉर द डाइवर कैन इजीली, सर लिक्विड के बाद, हाँ लिक्विड के बाद, देयरफॉर द डाइवर, द टी आई सी डाइवर, डी आई वी आर, कैन इजीली पास थ्रू इट, पी ए डबल एस, थ्रू इट। सर इजीली की बात क्या है? इजीली के पास पास, जैसे फेल पास होती है ना, पास फेल, तो पास, पी ए डबल एस पास, मतलब मूव कराना किसी के थ्रू, पास थ्रू इट। रोल नंबर वन, जस्ट यू रिपीट द आंसर। यस सर। These observations show that the intermolecular space is high in liquid, therefore the diver can easily pass through it. Okay. Rule number two. Easily, sir. Easily की बात क्या है? Pass. P A double S. P. Easily की बात क्या है? Easily के पास pass है. P A double S. Pass. P A double S. Pass. Through. T-H R-O-U-G-H, through it, I-T, it, समझ में आया बेटा? Yes sir। अच्छा रोल नंबर टू, यू जस्ट रीड आउट the answer। These observations show that the intermolecular space in more is more in between liquid, therefore the diver can easily pass through it। Okay, good, correct answer। तो now question number four। रोल नंबर वन, जस्ट स्पीक आउट द क्वेश्चन। ओके सर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ओके, कैन यू टेल द आंसर ऑफ इट? बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा बुक खोलो बेटा, बुक में डायरेक्ट है, देखो। यस सर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पीक बिटवीन देम। यस, जो पेज नंबर 2.1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यस सर, 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लास्ट एक दिया देखोगे जो 1.2.2
particles of matter are continuously moving. Rule number one. हाँ बेटा क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा. अच्छा कोई बात नहीं, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पेज नंबर टू है जो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर टू दिखाई दे रहा बेटा. ओके ओके. पैरा नंबर 1.2 क्या लिखा है बताओ. नंबर 1.2 कैरेक्टर्स. ओके ओके. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. नाउ 1.2.1 क्या लिखा. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. दैट मींस कोई मैटर होगा तो उसके मैटर्स के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होती है. सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड में इंटरमीडिएट है, गैस में बहुत ज्यादा है. यस सर. नाउ 1.2.2 क्या लिखा बताइए. 2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. नाउ यू टेल 1.2.3 में क्या लिखा. 1.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ओके अभी बिना देख के बताओ क्या लिखा. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग. नेक्स्ट. आंसर थर्ड पॉइंट याद नहीं आ रहा. ओके रूल नंबर टू कैन यू टेल द आंसर. यस सर. विदाउट रेफरिंग द बुक. मैटर. हाँ यस सर. पार्टिकल ऑफ मैटर एंड स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ओके जस्ट यू टेल द स्पेलिंग ऑफ कंटिन्यूअसली. यस सर. No, no. Rule number two. You tell the spelling of continuously. CONTINUOUSLY. Okay. Rule number one. Just you tell the complete answer. Yes, sir. Characteristics of particles of particles of matter have space between them. Particles of matter continuously moving. Particles of matter attract each other. ओके हो गया ना बेटा. जो पेज नंबर थ्री में जो चार क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम लोग कर लिया और हम लोग ये भी उसके बारे में पढ़ भी लिया. ठीक है बेटा. ओके अच्छा. ओके कल हमने तुम लोग को